Hi, Bula. I'm CLA from Nandi. I love Gold FM, only the classic hits. Gold FM, only the classic hits. नमस्कार फीजी समाचार दर्शन के साथ मैं हूं कृतिका कुमार। नंबारा लंबासा में रहने वाले कुछ लोग डर में जी रहे हैं, जबकि कल रात वहां 13 वर्षीय एक लड़की की मौत हो गई है। ऐसे आरोप है कि लंबासा कॉलेज की EN9 की स्टूडेंट पर कल रात उनके घर के बाहर रात 8 बजे के समय हमला किया गया था। पड़ोसियों के अनुसार ये लड़की और उसकी माँ इस साल की शुरुआत से एक घर में रेंट पर रह रहे थे। पुलिस के अनुसार 13 वर्षीय लड़की घर के बाहर कपड़े फैला रही थी, जब लैंडलॉर्ड ने उसकी चीखने की आवाज सुनी। बाद में लैंडलॉर्ड ने उसे बेहोश पाया था। उसके शरीर पर चोट के निशान भी थे। पुलिस घटना की छानबीन कर रही है। मिनिस्टर फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर चोने उसमाते का कहना है कि अब वे इकोनॉमी को वापस शुरू करने पर काम कर रहे हैं। उसमाते ने कहा, जबकि टूरिज्म इंडस्ट्री को ट्रैक पर वापस लौटने में कई साल लगेंगे, तो ऐसे में कंस्ट्रक्शन के शुरू होने से लोगों के लिए नौकरियां उपलब्ध होंगी। नए फाइनेंशियल ईयर में कैपिटल प्रोजेक्ट्स पर काम जारी रहेगा। उस समाते का कहना है कि वे इस बात का ख्याल रखेंगे कि पैसे को सही जगह पर इस्तेमाल किया जाए, ताकि इकॉनमी आगे बढ़ सके। फिजी रोड्स अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव जोनासन मुआ का कहना है कि उनके एलोकेशन को बढ़ाया गया है, ऐसे में वे और अच्छी सेवा प्रदान करने की कोशिश करेंगे। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री से मांग कर रहे हैं कि वे नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी पर फिर से गौर करें। ILO डायरेक्टर फॉर द पैसिफिक मार्टिन करिमली का कहना है कि पेंडेमिक के कारण ये जरूरी हो गया है कि सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट के लिए पॉलिसी पर फिर से गौर किया जाए। ILO के द्वारा किए गए एक असेसमेंट से पता चला है कि 5 इंडस्ट्रीज, जिसमें होलसेल और रिटेल तथा टूरिज्म शामिल है, पर काफी बुरा असर पड़ा है। करिमली के अनुसार ILO ने सुझाव दिया है कि इस मुश्किल की घड़ी में बिजनेस को मदद पहुंचाने की जरूरत है। और खेलकूद की खबरों में, नांदी फुटबॉल टीम ने कल रात बाको 5-1 से हराया है। अविनेश स्वामी द्वारा कैप्टन किए जा रहे साइड जेट सेटर्स ने कल अच्छा खेल दिखाया था। अफराज अली ने साइड की ओर से पहला गोल स्कोर किया। बाको अपने अगले मैच से पहले कुछ की एरियाज पर काम करना होगा। बा शनिवार को शाम 3 पर लंबासा का सामना करेगा, और इस खेल के कॉमेंट्री को आप मिर्ची FM पर सुन सकते हैं। और ये थे आज के मुख्य समाचार। इन खबरों के लिए आप रेडियो फिजी 2 और मिर्ची FM भी सुन सकते हैं। शुभ रात्रि। Hello here, Savoa. We love Today FM. Today FM rocks. Today's hit music on Today FM.